फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टीवी ब्लॉग। और मैं आज आपको दिखा रही हूँ रिटायरिंग रूम राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना बिहार का। तो देखिए फ्रेंड्स, मुझे 102 रूम नंबर मिला है। ये रूम का गेट है। और फ्रेंड्स, ये मैं लाइट्स ऑन कर देती हूँ सारी लाइट्स। देखिए फ्रेंड्स, ये बेड है, यहाँ एसी लगा हुआ है, टीवी है, देखिए सीलिंग लाइट है। ये मैं यहाँ से अंदर आई हूँ। और घड़ी है, यहाँ मिरर दिया हुआ है। और ये अलमीरा है, यहाँ से आप बाहर देख सकते हैं। देखिए फ्रंट व्यू बहुत अच्छा दिखता है। ये यहीं पे जस्ट बाजू में राजेंद्र नगर नीचे स्टेशन है। मैं यहाँ से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे उतरी हूँ, तो मुझे यहाँ से बहुत पास पड़ा है, फर्स्ट फ्लोर पे ही है। ये यहाँ का वॉशरूम है फ्रेंड्स, देख लीजिए। यहाँ पे गीज़र लगा हुआ है, ये देखिए फ्रेंड्स। ये मुझे 800 रुपीज़ में मैंने 6 घंटे के स्लॉट के लिए किया था। और आप 12 घंटे के लिए, शायद ये 1400-1500 पड़ेगा, और 24 घंटे के लिए भी मिल जाता है। और मैं आपको ये बता दूँ, ये मैंने अपने मुझे यहाँ से मुझे पटना जंक्शन से अभी दरभंगा के लिए निकलना है, लेकिन इसीलिए मुझे यहाँ से पटना जंक्शन जाना होगा। लेकिन मैं अभी रायपुर से साउथ बिहार में राजेंद्र नगर आई हूँ, और मैं यहाँ पे रिटायरिंग रूम बुक की हूँ। जो डेस्टिनेशन जो है वहाँ से मैं क्यों, आप दो जगह से आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, जहाँ से आप बैठ रहे हैं वहाँ पर, जहाँ आप पहुँचने वाले हैं वहाँ पर। तो आपको अगर जहाँ पहुँचना है वहाँ पर भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं, बट आपकी टिकट कंफर्म होनी चाहिए फ्रेंड्स। कंफर्म टिकट पर ही आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, या तो आप डायरेक्ट जा करके विदाउट ऑनलाइन, ऑफलाइन तरीके से भी आप अगर स्टेशन पर पहुँचे हैं, तो वहाँ पर भी आप जाकर के रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। लास्ट टाइम मेरे से यही हुआ था, मैंने रिटायरिंग रूम बुक नहीं की थी, तो मुझे पता चला था, तो यहाँ पे रूम खाली था, लेकिन मेरी ट्रेन जल्दी थी, 2 से 3 घंटे का था, इसलिए मैंने यहाँ पर जो एसी वेटिंग हॉल है राजेंद्र नगर टर्मिनल का, वहाँ का मैंने वीडियो डाली हूँ। आप वहाँ पर भी, अगर आपका रिटायरिंग रूम नहीं है, तो आप वहाँ भी आप बैठ सकते हैं, लेकिन आपकी टिकट एसी पे होनी चाहिए। लेकिन आपको अगर रिटायरिंग रूम बुक करना है, तो इसके लिए एसी टिकट ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स। आप विदाउट एसी टिकट, जनरल टिकट, जो स्लीपर टिकट होती है, उस पर भी आप रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप जनरल से आ रहे हैं, तो आप यहाँ पर भी डायरेक्ट आ करके रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि अगर आप कभी आए राजेंद्र नगर टर्मिनल, तो आप ये रूम देख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो यहाँ पर भी आप आ करके अपना रिटायरिंग रूम बुक कर सकते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट फ्लोर, और जस्ट नीचे एक फूड ट्रैक है, वहाँ पे जा करके मैं खाना खाई हूँ। 90 रुपये में थाली मिली है, 2 रोटी चावल 2 सब्जी, आलू का भुजिया, सब्जी, दाल, खाना अच्छा था। जस्ट नीचे है, तो यहाँ पर खाने की भी किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके साथ ये राजेंद्र नगर टर्मिनल का ये रिटायरिंग रूम्स बुक मैं शेयर की। तो अगर आप आइए, तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताना कि आपको ये रिटायरिंग रूम कैसा लगा। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, यहीं पे मार्केट है, देखिए जस्ट नीचे निकलेंगे आप, सामने में मार्केट है फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा दूरी नहीं पड़ेगी यहाँ से रिटायरिंग रूम से। फ्रेंड्स, हम जब जाते हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट एरिया पास में हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।